जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जे जी डी आल क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम अपने 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की ये पूंछी वाली ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने पहले भी अपने वीडियो में डाली थी, तो ये आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने 0 नंबर की ड्रेस बनाई है। जिन लोगों के क्रोशे का काम नहीं आता, तो उसके लिए मैंने ये पूरी ड्रेस निटिंग से बनाई है। इसमें मैंने क्रोशे का कोई काम नहीं किया है। आगे की तरफ जो हम क्रोशे से काम करते हैं, उसकी जगह हमने ये निटिंग का काम किया। इस तरह से मैंने ये ड्रेस बनाई है। तो चलो इस ड्रेस को हम बनाते हैं। आज ये पोंछ वाली ड्रेस हमारी है 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रही। इसके लिए मैंने अपनी सिलाई में 10 फंदे डाल लिए हैं और इसे उल्टी सिलाई निकाल ली है। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। इसमें 10 फंदे डाल के मैंने उल्टी सिलाई निकाल लिया। अब इसके बाद मैं इसमें 10 उल्टी सिलाइयाँ और निकाल लेती हूँ। तो 10 उल्टी सिलाइयाँ मैं निकाल के इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। 10 उल्टी सिलाइयाँ निकालने पर हमारी इसके अंदर 5 गांठ स्टिच की रो बन जाएंगी। तो इस तरह इसमें उल्टी उल्टी में ये 10 सिलाइयाँ निकाल के आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें ये 10 सिलाइयाँ निकालनी है, तो हमारी 5 गांठ स्टिच की रो हो गई है। अब हम अपने सभी फंदों को एक का दो कर देंगे। तो पहले फंदे को तो मैं अपना एक का दो करती हूँ, एक बार पीछे से बनाती हूँ फिर आगे से। इस तरह बनाते हुए मैं अपने सभी फंदों को एक का दो करती हूँ। एक का दो करने के लिए पहले अपने फंदे को मैं पीछे से बनाती हूँ, फिर उसी फंदे को मैं आगे से बनाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैं एक फंदे को 2 बार बनाती हूँ। तो इस तरह हमारे 1 के 2 हो जाएंगे और लास्ट में हमारे इसमें ये 20 फंदे हो जाएंगे। बीस फंदे होने के बाद अब इस रो के अंदर हम इसमें 4 सिलाइयाँ और निकाल लेंगे। एक तो हमारी निकल गई, इसके बाद हम इसमें 4 सिलाइयाँ और निकाल लेते हैं। तो चारों सिलाई भी हमारी उल्टी उल्टी ही निकलेंगी। तो सभी सिलाइयाँ मैं उल्टी निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ निकालनी है। 4 सिलाई निकालने के बाद अब इसमें अपनी बाजू निकालेंगे। तो शुरू में मैं इसमें 3 फंदे बनाती हूँ। तीन फंदे बनाने के बाद इसमें 5 फंदे मैं अपने बाजू के लिए छोड़ देती हूँ। तो 5 फंदे मैं इसमें सेफ्टी पिन में डाल देती हूँ। पांच फंदे सेफ्टी पिन में डाल के अब पीछे की तरफ मैं इसमें 4 फंदे ही बनाऊंगी। फिर इसमें 5 फंदे दूसरी बाजू के लिए रख लूँगी मैं। बचे हुए 3 फंदे मैं बना लेती हूँ। इसमें हमारे 10 फंदे रह गए। अब वापस से इन 10 फंदों को मैं डबल कर लूँगी। तो डबल करने के लिए मैं इसमें अपनी दूसरी कलर की ऊन लगाती हूँ। इसमें सभी फंदों को डबल कर लूँगी। तो मैं पहले फंदे से इसमें डबल करूँगी मैं। इसमें हम 12 फंदे भी डाल सकते हैं। तो शुरू के हमें 2 फंदे छोड़ देंगे और पीछे हम 6 फंदे ले लेंगे। मैंने इसमें 10 ही लिए। इसी फंदे को मैं 2 बार बना लेती हूँ। तो पहले फंदे के 2 गए, दूसरे को भी मैं एक बार पीछे से बनाऊँगी मैं। फिर इसी फंदे को मैं आगे से और बना लेती हूँ। इस तरह हमारे 4 हो गए। इस तरह सभी फंदों को मैं डबल करते हुए अपनी इस रो को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने सभी फंदों को डबल कर लिया है। तो हमारी ये नीले रंग की एक लाइन निकल गई है। ब्लू कलर की हमारी 1st रो निकल गई है। अब इसमें हम 3 रो और निकाल लेंगे। तो कुल हमारी इसमें 4 रो हो जाएंगे। तो ये 2nd रो निकाल रही हूँ। इसके बाद मैं 2 रो और निकाल लूँगी। उसके बाद अपनी 4 रो निकाल के आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। उसके बाद इसमें हम अपना अगला कलर लगाएंगे। तो ये 4 रो निकाल के आपको दिखाते हैं। ब्लू की हमारी ये
फोर रो कंप्लीट हो गई। अब वापस से अपना वाइट कलर लगाएं, तो शुरू में वाइट कलर के मैं इसमें तीन फंदे बनाती हूँ और चौथे फंदे को मैं एक का दो करूँगी। फिर तीन फंदे बनाती हूँ मैं, फिर चौथे फंदे को मैं एक का दो करती हूँ, फिर तीन फंदे बनाऊंगी। फिर चौथे फंदे को मैं एक का दो करती हूँ और सभी फंदों को मैं बचे हुओं को उल्टा बना लेती हूँ। इस तरह हमारे वाइट कलर की ये फर्स्ट रो निकल गई। अब इसके अंदर हम इसमें वाइट कलर की थ्री रो और निकाल लेंगे, तो ये हमारी वाइट की भी फिर फोर रो हो जाएंगी। तो वाइट की भी मैं थ्री रो निकाल के कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये वाइट की भी फोर रो निकाल लिया। वापस मैं ब्लू कलर की रो निकालूंगी। ब्लू कलर की रो में शुरू में मैं तीन फंदे बनाऊंगी और चौथे फंदे को मैं एक का दो करूंगी। फिर तीन फंदे बनाती हूँ मैं, फिर चौथे फंदे का एक का दो करती हूँ। इस तरह हर चौथे फंदे को मैं एक का दो करूँगी। उसके बाद अपनी ब्लू की भी मैं ये चारों रो निकाल के कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें एक वाइट की और एक ब्लू की दो रो और निकालूंगी, तो उसमें भी मैं इसी तरह से फंदे बढ़ाऊंगी। अगर हमें फंदे थोड़े ज़्यादा लगेंगे तो हम इसमें चौथे फंदे में ना बढ़ा के इसे पांचवें फंदे में बढ़ाते। तो पहले मैं आपको ये ब्लू की पूरी रो कर कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर वाइट की शुरू करेंगे। इस तरह मैंने ब्लू की भी ये दो रो निकाल ली है। अब वापस से हम अपनी वाइट कलर की रो निकालेंगे। वाइट कलर की रो में अब मैं हर पाँचवें फंदे में बढ़ाऊँगी, तो शुरू में इसमें चार फंदे बना लेती, फिर हर पाँचवें फंदे में एक का दो करती, फिर बीच में चार फंदे बनाऊंगी, फिर पांचवें फंदे को मैं एक का दो करती हूँ। इस तरह तो मैं अपनी ये वाइट वाली रो की चार रो निकालूंगी। हर पांचवें फंदे को मैं एक का दो करती हूँ, चार फंदे बनाऊंगी, दो तीन चार, फिर पांचवें फंदे को एक का दो करते। इस तरह अपनी वाइट की रो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं इसमें तीन रो वाइट की ओर निकालूंगी। तीन रो वाइट के निकालने के बाद मैं इसमें ब्लू कलर की रो निकालूंगी। ब्लू कलर की रो निकालने के बाद मैं इसमें हर पांचवें फंदे में एक का दो करूंगी, फिर अपनी ब्लू कलर की चार रो निकाल के अपनी इस ड्रेस की लंबाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो मैं वाइट और ब्लू दोनों रो निकाल लूंगी। लास्ट की वाइट और ब्लू के अंदर तो हमें हर पांचवें फंदे में एक का दो करना है और शुरू की दो में हमें हर चौथे फंदे में एक का दो करना है। तो वाइट और ब्लू की दो दो रो निकाल के मैं ले आती हूँ, तो आपको ये ड्रेस की लंबाई कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी इसमें सभी रो निकाल ली। अब इस वाली ड्रेस के अंदर हम इस सिलाइयों से ही इसमें कंगूरे बनाएंगे, क्रोशे से नहीं बनाएंगे मैं अपनी ड्रेस की तरह। अगर किसी को क्रोशा नहीं आता है तो सिलाइयों से ही बना लेंगे। तो इसमें इस तरह से बनाएंगे हम, पहला फंदा उल्टा बनाते हैं, फिर इसी फंदे को सिलाई को घुमा के इसी फंदे को हम वापस उल्टा बना लेते हैं। फिर पहला फंदा तो हमने बनाया और अपनी दूसरी सिलाई में से हम अगले फंदे को ले लेते, तो हमारे दो फंदे हो गए। फिर इन दो फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, फिर अपनी सिलाई को घुमा लेंगे। फिर इस बार हम दो फंदे तो ये बनाते हैं, तीसरा फंदा और ले लेते हैं इसमें से। फिर इन तीन फंदों को हम उल्टा बना लेते हैं। अब तीन फंदे बनाने के बाद शुरू के तीन फंदे हम वापस बना लेते हैं और अपनी अगली सिलाई में से एक फंदा और ले लेते हैं। इस तरह हमारे चार फंदे हो गए। अब इन चार फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, तीन चार। अब इन चार फंदों को हम एक साथ घटा देंगे। पहला फंदा बनाया हमने, फिर दूसरे फंदे में अपने पहले फंदे को डाल के दो का एक कर लेते हैं। इस तरह हम अपने चारों फंदों को हम घटा देते हैं। तीन तो घट गए, एक फंदा हमारा बच गया, तो इस सिलाई में से एक फंदे को लेके हम दो का एक कर देते हैं, तो हमारा एक कंगूरा बन गया। अब इसी फंदे को हम, ये हमारा बन गया, वापस इसको उल्टा बना लेते हैं। सभी फंदे हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे,
फिर आगे से हम एक फंदा तो ये बनाया, फिर दूसरी सिलाई में से एक फंदा और ले लेंगे तो हमारे दो फंदे बने। फिर इन दो फंदों को उल्टा बना लेंगे हम। फिर अपनी सिलाई को घुमा लेते हैं, फिर शुरू में दो फंदों को तो उल्टा बनाते हैं, फिर अपनी अगली सिलाई से एक फंदा और ले लेते हैं। इस तरह हमारे तीन फंदे हो गए। अब इन तीन फंदों को उल्टा बना लेंगे हम। तीन फंदे उल्टे बन गए। अब हम अपना सिलाई को घुमा लेते हैं, शुरू के तीन फंदों को उल्टा बनाते हैं, फिर अपना अगली सिलाई में से एक फंदा और ले लेते हैं, तो हमारे चार फंदे हो गए। अब इन चार फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। चार फंदे उल्टा बनाने के बाद अपने इन चारों फंदों को हम घटा देंगे। पहला फंदा घटा बनाया हमने, फिर इस फंदे को दूसरी सिलाई पे ले जाते हैं, दो का एक कर देते। फिर इस फंदे को दूसरी सिलाई पे ले जाते हैं, दो का एक कर देते। इस तरह हमारे तीन फंदे तो घट जाते हैं। चौथा फंदा घटाने के लिए हम अपनी दूसरी सिलाई से एक फंदे को लेके फिर दो का एक करते, तो हमारा पहला फंदा तो अगली पत्ती का बन जाता है। इस तरह हमारे कंगूरे बन जाते हैं। तो ये कंगूरे बना के मैं पूरे लास्ट तक बना के इसे अपनी उनको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। फिर आगे की तरफ हमें फंदे उठा के फिर कंगूरे बनाने, तो ये कंगूरे बना के मैं ले आती हूँ। इस तरह से मैं अपनी ड्रेस के लास्ट में आ गई। मैंने लास्ट में चार फंदे बना लिए। अब इन चार फंदों को मैं घटा देती हूँ। तो पहले फंदे को मैं बनाती हूँ, फिर दो का एक कर देती हूँ, फिर अपने इस फंदे को दूसरी सिलाई में डाल के दो का एक कर देती हूँ। इस तरह घटाते हुए हमारे इसमें सभी फंदे घट जाते हैं, लास्ट में हमारा एक फंदा बच जाता है। अब हम इस ड्रेस को बनाने के लिए, जिन लोगों को क्रोशिया नहीं आता, जो बाहर से इसमें बाउंड्री नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम आगे की तरफ में इसमें बाउंड्री करेंगे। तो इसके लिए मैं इसमें फंदे बढ़ाऊँगी। तो फंदे उठाने के लिए मैं इस तरह से इसमें फंदे उठाती हूँ, अपनी एक इसमें डालती हूँ और एक फंदा इस तरह से उठा लेती हूँ। इस सिलाई को अपनी ड्रेस में इस तरह से डालूंगी, इसमें ऊन को इस तरह से लेके एक फंदा बना लेती हूँ। फिर अगली वाली जो बीच में हमारे गांठ स्टिच के बीच में जो जगह है उसमें एक एक फंदा उठाते जाएंगे। इस तरह से हर गांठ स्टिच की रो के बीच में एक एक फंदा उठाती जाती हूँ। आपको वाइट में अच्छे से दिखाई देगा, वाइट में ये गांठ स्टिच है। इसके यहाँ पर अपनी सिलाई को मैंने इस तरह से डाला, अपनी ऊन को अपनी सिलाई पर इस तरह से लेती हूँ और इसका अंदर से इस तरह से फंदे के रूप में इस तरह से ले आती हूँ। तो मेरा एक फंदा बन गया। फिर अगली मिली इस तरह से उठाते हुए मैं ऊपर तक आ जाती हूँ। ये फंदे मैंने उठा लिए और इसके ऊपर टॉप पे आ गई। ये मैंने 27 फंदे उठाए, आप 27 से 30 फंदे तक उठा सकते हैं। टॉप पे आने के बाद मैं इसमें इन दोनों को, जिस तरह से हम अपने ड्रेस में करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेके यहाँ पे एक साथ एक फंदा उठा लूँगी। इस तरह से फंदा उठाऊंगी कि दोनों हिस्से हमारे अंदर चले जाए। इस हिस्से को मैं इस तरह से ले लूंगी, दोनों को एक साथ फंदा उठा लूँ। इस तरह से फंदा उठ जाएगा। फिर वापस से इसी जगह से एक फंदा और उठा लेती हूँ, जिससे हमारे पूरी तरह से अंदर चला जाए। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से फंदे उठा लेंगे। तो जितने फंदे हमने इधर उठाए उतने ही हम इधर उठाएंगे। तो मैं इसमें भी फंदे उठा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इधर भी फंदे उठा लिए, दोनों तरफ फंदे उठा लिए। अब वापस से हम इसमें पत्ती बनाएंगे, जिस तरह से हमने नीचे पत्ती बनाई थी। नीचे हमने चार फंदों की बनाई थी, ऊपर हम तीन फंदों की पत्ती बनाएंगे। तो मैं पहला फंदा बनाती हूँ, फिर इसी फंदे को मैं यहाँ पर उल्टा बना लेती हूँ। अपनी सिलाई को मोड़ते हैं, फिर हम दो फंदे बनाएंगे। एक फंदा तो मैंने ये बनाया, दूसरा अपना दूसरी सिलाई में से लेके बनाती हूँ। फिर मैं दो फंदे बनाती हूँ, इस बार हम तीन फंदे बनाएंगे। दो फंदे तो हमारे बने हुए जो बनाएंगे, और तीसरा फंदा हम अपनी दूसरी सिलाई में से बनाते हैं। इस तरह तीन फंदे बन गए। अब इन तीन फंदों को मैं उल्टा कर लेती हूँ। अब इन तीन फंदों को मैं घटा दूंगी। पहले फंदे को घटाया, फिर इसको दूसरी सिलाई में लेके दो का एक कर दे, फिर दूसरे को घटा दिया। अब इस सिलाई में से एक फंदे को लेके हम तीन का एक कर दें।
सॉरी दो का एक कर देते हैं, तो इस तरह हमारे तीन फंदे कट गए। अब इस फंदे को वापस से मैं उल्टा बना लेती हूँ, क्योंकि अगली पत्ती का हमारा ये पहला फंदा हो गया। अब दो फंदे बना लेंगे, एक और एक दो। अब इन दो को उल्टा कर दूंगी मैं। अगर आपको चौड़ा बॉर्डर चाहिए तो आप चार फंदों का भी बना सकते हैं। अब वापस से मैं तीन फंदे बना लूँगी, एक दो, और अगला फंदा अपनी अगली सिलाई से। इस तरह तीन हो गए। अब इन तीन को बना लूँगी मैं वापस से, और फिर इनको तीन को घटा दूँगी। इस तरह हमारी ये दो पत्ती पूरी हो गई। एक फंदा घटा, दो, और अगले फंदे के साथ ही हमारा तीसरा फंदा भी घट जाता है। इस तरह से मेरी ये दो पत्तियाँ बन गई। तो जिनको क्रोशिया नहीं आता है वो इस तरह से पत्ती बनाते हुए अपनी इस ड्रेस को कंप्लीट कर लें। तो मैं ये पूरी में पत्ती बनाते हुए ले आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इसके ऊपर की तरफ चारों तरफ पत्तियाँ बना के इसे कंप्लीट कर लिया। नीचे की तरफ हमने बड़ी पत्ती बनाई थी, ऊपर हमने छोटी पत्ती बनाई। इस तरह इसके चारों तरफ मैंने पत्ती बना ली है। ऊपर का हिस्सा हमारा खुला है, जिसे हम सिलाई से सुई धागे से बंद कर देंगे। इस तरह इसकी बाजू बनाएंगे। एक बाजू तो मैंने बना ली है, दूसरी बाजू मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने पांच फंदे अपनी बाजू में छोड़े थे, चार फंदे हम नीचे से उठा लेंगे, दो दो दोनों तरफ से उठा लेंगे, तो कुल हमारे नौ फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम बनाते हैं। सबसे पहले दो फंदे उठाती हूँ, तो एक तो मैं यहाँ से उठा लेती हूँ और एक इसके पास। इस तरह से दो फंदे उठा लूँगी। दो फंदे उठाने के बाद मैं इसमें अपने ये पांच फंदे अपनी सिलाई में डाल लेती हूँ। इस तरह हमारे पांच फंदे अपनी सिलाई में डाल लिए, तो कुल सात फंदे तो हमारे हो गए। दो फंदे हम और बढ़ा लेंगे। तो दो फंदे मैं इधर से उठा लेती हूँ, इस वाली सिलाई से ना उठे तो दूसरी सिलाई से उठा के फिर हम डाल लेते हैं। एक फंदा इस तरह से मैं दो फंदे उठा लेती हूँ, कुल हमारे इसमें नौ फंदे हो गए। नौ फंदे उठाने के बाद पहली रो हम ब्लू कलर से निकालेंगे। तो पहले मैं अपने ब्लू कलर की ऊन लेती हूँ और उससे मैं इसमें जिससे मेरी बाजू में निकाली है मैंने, चार सिलाई में उल्टी उल्टी निकाल लूँगी। तो मैं इसमें चार सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालती हूँ। हमने इसमें चार सिलाई निकालनी है, तो हमारी दो रो बन गई। वापस से उल्टी तरफ से हम अपना वाइट कलर जोड़ेंगे। वाइट कलर जोड़ लेते हैं इसके उल्टी तरफ से हम। अब फिर इसकी भी हम चार सिलाइयाँ निकाल लेंगे। पहली सिलाई तो हमारी ये निकलती है, इसके बाद हम तीन सिलाई और निकाल लेते हैं। इस तरह हमने ये वाइट ऊन वाइट कलर की अपनी एक रो निकाल ली। अब इसमें अपनी दूसरी बाजू की तरह में हम तीन रो निकाल लेंगे, तो कुल हमारी इसमें चार रो हो जाएंगी। तो हमारी बाजू की लंबाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें पत्तियां बना देंगे तीन तीन फंदों की, जिस तरह से हमने ऊपर की तरफ बनाई। तो ये पत्तियां बना के और अपनी बाजू को कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने ये अपने बाजू पे भी पत्तियां बना ली। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम अपनी बाजू को इस तरह से अंदर लेके जाते हैं, उल्टी तरफ से हम सिलाई करेंगे। फिर जो हमने ऊन कट की थी उसको थोड़ा बड़ा कट करते हैं, उसको अपनी नीडल में डाल के हम इसकी सिलाई करते हैं। इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लू के ऊपर ब्लू ऊन आए और वाइट के ऊपर वाइट ऊन आए। इस तरह एक बार इधर से लेते हैं, फिर दूसरी बार इधर से दूसरी तरफ से लेते हैं। इस तरह करते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। लास्ट में हम इसमें नोट लगा देते हैं और एक्स्ट्रा उनको हम कट कर देंगे। इस बाजू को हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह हमारी ये दोनों बाजू तैयार हो गई। अब हमारे ऊपर वाला हिस्सा है, इसे भी हम व्हाइट कलर की ऊन से यहाँ से सिल देंगे। इससे हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। जिस तरह से हमने बाजू सिली है उसी तरह से ऊपर का हिस्सा सिल देंगे। तो ये मैं ड्रेस कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने ऊपर सर पे भी इसे सिलाई कर लिया। इस तरह हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से लगती है, जो बड़ी प्यारी लगती है। ये हमारे जीरो नंबर की ड्रेस है।
जिनको ये क्रोशिया नहीं आता वो इस तरह से अपनी ड्रेस बना सकती हैं। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।